हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पद्मा। आप लोग कैसे हो? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आई एम ऑल्सो गुड। और ये देखिए, मैं आज आपको कहाँ लेके आई हूँ, भीमा भोई पार्क संबलपुर में। ये जो पार्क है ना फ्रेंड, ये संबलपुर में बूढ़ा राजा पहाड़ के नीचे ही जस्ट है और बहुत सुंदर है फ्रेंड, और वेल मेंटेन भी है। तो सुबह सुबह मैं वॉकिंग के लिए और थोड़ा देखने के लिए यहाँ पे आ गई थी। योगा प्राणायाम करते हुए लोगों को देख के ना बहुत खुशी हो रहा था फ्रेंड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना के अंदर बीच में हम लोग एंट्री कर रहे हैं वही भीमा भोई पार्क में। तो देखिए, ये हो गया बीच का जो, और ये पार्क ना फ्रेंड, एक भीमा भोई एक पोएट थे तो उन्हीं के नाम में ये नामित किया हुआ है ये पार्क। ये रही इनका जो प्रतिमूर्ति। ये पार्क ना फ्रेंड बहुत पुराना है, लेकिन ये इस बार ना थोड़ा मैं देख रही हूँ कि ये बहुत रिनोवेट हुआ है और काफ़ी मेंटेन करके रखे हुए हैं, जैसे कि वाटर टैंक वगैरह पहले नहीं था। और ये झूला वगैरह जितना भी बच्चों के लिए, बड़ों बच्चे से लेके ना फ्रेंड बूढ़े तक, सब कोई आते हैं और सब कोई एंजॉय करते हैं इसी पार्क को। लुक एट द ब्यूटी फ्रेंड्स एंड ग्रीनरी। ये देखिए फ्रेंड, पार्क के बीचों बीच ना ओपन जिम एरिया, सारे कुछ इक्विपमेंट्स है इधर, और लोगों ना सुबह सुबह एंजॉय कर रहे हैं नेचुरल ब्यूटी के साथ। ग्रीनरी फुल ऑफ ऑक्सीजन, और इन लोग सब एक्सरसाइज कर रहे हैं और मैं तो एक्सरसाइज करके आ गई। सब कुछ मैं करी, जितना भी है ना जिम का, अब देख रहे हो सब बहुत कुछ रिनोवेट हुआ है अभी फ्रेंड, पहले ऐसा था नहीं। तो ये देखिए ओपन जिम का नज़ारा, देखिए सारा कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए ऐसे वाटरिंग किया जाता है, यहाँ से सारा लॉन को पानी मिल रहा है। तो ये हो गया साइकस का भी, देखिए फ्रेंड यहाँ देखिए फ्रेंड, साइकस से लेके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेजेस और सब कुछ, फ्लावरिंग प्लांट्स, देवदार प्लांट्स, फिर रबर प्लांट जो भी है, सारा क्रोटन्स, बहुत सारे प्लांट्स हैं इधर अभी ना फ्रेंड। सुबह सुबह 6 बजे हैं तो ज़्यादा कोई लोग आए नहीं अभी तक, लेकिन और थोड़ी देर हो जाने से ना बहुत भीड़ बढ़ जाता है। और इधर देखिए हर एक का सुविधा भी है और बैठने के लिए भी चेयर वगैरह भी अरेंज्ड है इधर। और ये पार्क ना फ्रेंड सुबह 5 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है, और क्योंकि टाउन के बीचों बीच है तो बहुत सारा लोग आते हैं बैच वाइज यहाँ पे सुबह का मतलब एक्सरसाइज करने, वॉक करने बहुत। लोग अगर करके ना वॉक करके थक जाएं तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए भी चेयर्स वगैरह सारा सब कुछ अरेंजमेंट है इधर। और देखिए अब खाली ऑब्जर्व कीजिए फ्रेंड, इतने ग्रीनरी के बीच में अगर आपको मिल जाए सुबह सुबह ढेर सारा ऑक्सीजन एंड आप एक्सरसाइज करो तो सोचो सोने पे सुहागा। और जो दूर दिख रहा है ना फ्रेंड, वो हो गया बूढ़ा राजा पहाड़। बूढ़ा राजा पहाड़ के ना जस्ट नीचे के फुटहिल में ही ये पार्क अवस्थित है, बहुत ही सुंदर है फ्रेंड। और सुबह का नज़ारा देखिए, अभी सूर्यास्त जस्ट उग ही रहे हैं। तो मैं आ गई थी यही पार्क में, मैं भी भुवनेश्वर से संबलपुर आ गई हूँ ना फ्रेंड, मम्मी पापा के पास। तो मैं सुबह यही पार्क आ जाती हूँ वॉक करने के लिए और एंजॉय करती हूँ ये ग्रीनरी को भी, और ढेर सारा ऑक्सीजन भी मिल जाता है मेरे को, और हाथ पैर स्ट्रेच भी हो जाता है, सारा एक्सरसाइज भी हो जाता है। तो आई एंजॉयड अ लॉट फ्रेंड। और इधर का बहुत ही बड़ा सा है फ्रेंड, देखिए चारों तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारा किड्स जोन है, किड्स जोन का ही एरिया। देखिए अपने आप के साथ ना फ्रेंड थोड़ा टाइम स्पेंड करना हो तो
तो ऐसे आप सुबह सुबह यहाँ पे आ जाओ, अच्छे से टाइम स्पेंड करो और मेडिटेट भी आप कर सकते हो नेचर के साथ। और इधर ना फ्रेंड देखिए, लोग इधर जो रामदेव बाबा का, गुरुजी रविशंकर जी का सारा फॉलोअर्स है, इधर इन लोग पे बैठ के ना सब ये करते रहते हैं योगा प्राणायाम वगैरह। देखिए और ये बॉटल ब्रश देखिए कितना अच्छा सा व्यू दे रहा है, रेड एंड ग्रीन। हेल्थ इज वेल्थ, आपको पता है ना फ्रेंड। तो सुबह का अपना सेहत का भी ध्यान रखने के लिए ना आप सुबह जॉगिंग वॉकिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और इधर ना सीनियर सिटीजन लोग भी बैठ के ना अपना वक्त बिताते हैं सुबह सुबह। देखिए और फ्रेंड सबसे अच्छी चीज़ क्या है पता है, ये जो पार्क के बगल में ही ना ये शिव जी का मंदिर है देखिए। और लोग ना ये एक्सरसाइज तो करते हैं, वॉक करते हैं और साथ ही साथ भगवान जी का दर्शन भी करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो देखिए एक मतलब कि पार्क एंड टेंपल पास पास है और लोग दोनों को ही एंजॉय करते हैं। लेकिन इतना सुबह तो अभी मंदिर तो खुला नहीं, मैं इसीलिए आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा पा रही हूँ फ्रेंड, लेकिन ये शिव जी का मंदिर है। फ्रेंड्स आपको ये मेरा भीमो भोई पार्क का ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना फ्रेंड और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।